मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की उपेक्षा के साथ साथ संविधान को तुष्टिकरण का ग्रंथ के भी आरोप लगाए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संविधान की तुलना गीता से की है। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ सभी को अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संविधान समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे, इसीलिए कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं कि उनके ऊपर किसी और का नाम हो। यही वजह है कि कांग्रेस ने कभी भी संविधान दिवस के बारे में नहीं सोचा। 26 नवंबर आज संविधान दिवस नमन, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी ने ये संविधान दिवस 2015 में प्रारंभ किया था। कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस जैसी बात सोची ही नहीं, क्योंकि संविधान समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी थे और वो चाहते ही नहीं थे कि उनके खानदान से ऊपर किसी का नाम हो, इसलिए कभी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं गया। 26 जनवरी की आत्मा आज 26 नवंबर में ही बसती है। जो हमारा 26 जनवरी है उसकी आत्मा है ये। जो संविधान की दुहाई देते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे महान लोकतंत्र की आत्मा इस संविधान में बसती है और इसके शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर जी थे। आज का दिन एक नमन करने का दिन है, हमारे संविधान को तुष्टिकरण का ग्रंथ बनाने की जिनने कोशिश की उनसे प्रार्थना भी है कि वास्तव में संविधान का सब पालन करें। और संविधान के साथ साथ आम जन से भी निवेदन है कि जिस तरह से संविधान का ग्रंथ हमारे लिए गीता की तरह है, उसी तरह से लोगों को अपने कर्तव्य का भी बोध है। आज कोरोना काल है और हमारे अपने अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान और बोध होता रहना चाहिए, जिससे संविधान को और मजबूती मिलेगी। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की आज बरसी है। 26/11 की बरसी पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आतंकवाद से लड़ रहा है। जो शहीद हुए 26/11 में उन सबको नमन, उनका वंदन और उनसे प्रेरणा कि उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई लड़ रहा है। फिजिकल लड़ाई देश के अंदर और बौद्धिक लड़ाई विश्व के अंदर। पूरा देश साथ हो और ऐसी आसुरी शक्तियां जो आतंकवाद का अप्रत्यक्ष समर्थन करती हैं, एक लड़ाई उनके अंदर भी है, एक लड़ाई बाहर से, एक लड़ाई अंदर से। और 26/11 की बरसी पर इन दोनों का स्मरण करते हुए हम उन शहीदों को नमन करते हैं। वहीं पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन को गृह मंत्री ने कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन करार दिया। ये ध्यान भटकाने की किसानों की कोशिश है। किसानों का वोट कर्जा माफी के नाम पर वहां भी ले लिया मध्य प्रदेश की तरह और कर्जा माफ नहीं किया। अब ये ध्यान भटकाने की एक कुत्सित प्रयास है। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है। और इसलिए किसान समझ चुका है, पंजाब का और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को, सबको धोखा देती है। चलो बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान लगातार सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इससे पीछे हटने से इंकार कर दिया है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।